बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 जल्दी डाउनलोड करें। 2022 के जितने भी जो 2022 में परीक्षा देने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर अभी अभी जारी हुआ है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। BSEB क्लास 10th सोशल साइंस मॉडल पेपर 2022, क्या आप सभी स्टूडेंट्स 2022 वर्ष में परीक्षा देने वाले हैं? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर प्रश्न किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक है, बोर्ड की तरफ से लिया गया है, ठीक है। बोर्ड की तरफ से परीक्षा में देखें, मैट्रिक परीक्षा में मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नंबर वन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहां जाता है? तो यहां पर आंसर होगा भूकंप केंद्र, ठीक है। भूकंप केंद्र आंसर इसका यही होगा। आप ध्यान से आंसर और क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आपको ये बोर्ड के परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न सभी क्वेश्चन ये आपको काम आएंगे, सभी आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति का आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर देखिए डी, गोवा में, ठीक है। सबसे मतलब भारत में सबसे मतलब किस राज्य में है? तो गोवा में सबसे अधिक आय, ठीक है, गोवा के लोगों का होता है। ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे बोर्ड परीक्षा में कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो सी, कौन सा? बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर में पूछा जाएगा भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यहाँ पर 1904, यहाँ पर देखिए ईस्वी 1904, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आंसर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 15 मार्च को, ठीक है, ध्यान से आप लोग नोट करते जाइए। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा आप लोग, देखिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें और ज्वाइन हो जाए। पूछा जाएगा आपसे कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो पहला नंबर एक ए है, मुंबई हमारा, ठीक है, आंसर हमारा मुंबई होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? तो हमारा आंसर होगा ATM, ठीक है। ध्यान रखें, एक बात और कहना चाहूँगा, सभी क्वेश्चन सभी आंसर आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और पूछे जाएंगे, तो सभी आंसर आपको इसी तरह टाइप करना है और स्टिक करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका 1950 में, ठीक है, 15 मार्च 1950 में, ठीक है, आंसर आपका यही होगा। संपूर्ण क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहां पर ए, जयप्रकाश नारायण की, ठीक है। यहां पर पूछा जाएगा कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था? तो हमारा गरीबी हटाओ, ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा यही होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो हमारा देखिए ए है, दोहरी, ठीक है, आंसर हमारा दोहरी, यहाँ पर देखिए। उसके बाद पूछा जाएगा वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर आंसर होगा लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, हमारा आंसर यही होगा, ध्यान से सुन लीजिए। 13वां यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? तो हमारा आंसर होगा सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर पूछा जाएगा भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो एक, ठीक है, सॉरी दोस्तों, तीन है, यहाँ पर आंसर हमारा होगा तीन, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक। उसके बाद हमारा पूछा जाएगा कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर हमारा ये है, बी होगा आंसर, हमारे जनता को, ठीक है, ध्यान से नोट करें। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है? तो हमारा आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत, जी हाँ दोस्तों, किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए सभी आंसर। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली, देखिए प्राणी, यहाँ पर पूछा जाएगा कि कहाँ विकसित की गई थी? तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? तो यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा
वेलिजिम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिसमैच हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कटक कर यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा हो जाता है कभी कभी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 5 जून को। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हमारा होगा डिगबोई में। ठीक है, यहाँ पर अब ये सब आपके परीक्षा जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ध्यान से नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चन, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह आपको मिलता रहेगा पल पल के अपडेट के साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, टेक केयर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे।